और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार स्पोर्ट्स राउंडअप का, जिसके लिए हमारे साथी गजनफर हैदर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो गजनफर, आज बात कहाँ से शुरू हो रही है? आज हम ओलंपिक्स की बात करेंगे। खेलों के आलमी मुकाबले इस साल टोक्यो में 24 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने के बाद अब शकों को शुबात का इजहार किया जा रहा है। स्पोर्ट्स के माहरीन और खेलों के माहरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि शायद जो है खेल मुलतवी या मनसूख हो जाएँ। और अगर ओलंपिक्स वाकई मनसूख हो भी जाते हैं तो ऐसा पहली बार तो नहीं हो गया, पहले भी हो चुका है। पहली और दूसरी जंग अजीम दोनों बार जो है ओलंपिक जो है वो मनसूख हो गया था, लेकिन जदीद तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। 76 बरस की जो तारीख है उसमें ओलंपिक्स मनसूख नहीं हुआ, तो अगर होता है तो ये 76 साल में पहली बार ऐसा होगा कि ओलंपिक्स मनसूख हो जाएगा। तो अगर कोरोना वायरस की वजह से जापान में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि इसका इनेकाद मुमकिन नहीं रहता, तब फिर मुंतजमीन क्या करेंगे? क्या ओलंपिक्स जो कमेटी है उन्होंने कुछ कहा है इस बारे में? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो, उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन IOC के एक बहुत सीनियर मेंबर ने कहा था कि अगर हालात जो है वो बिगड़ जाते हैं, अगर वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो खेलों के मनसूख होने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये इम्कान बहुत कम है कि खेलों के लिए किसी मुतबादल जगह का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक साल के इंतज़ार के बाद जो है वो खेल दोबारा हों, लेकिन जापान खेलों की तैयारी पर अब तक $20 अरब का खर्चा जो है वो कर चुका है। और इसके अलावा अमरीकी ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर खेल मनसूख या मुलतवी होते हैं तो हम इन्हें अगले साल या कुछ महीनों बाद हम इन्हें अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, हम टीवी पे नहीं चला पाएंगे, इसलिए क्योंकि अमेरिकन स्पोर्ट्स का सीज़न शुरू हो जाता है, बेसबॉल शुरू हो जाता है, बास्केटबॉल शुरू हो जाता है और मेजर लीग सॉकर जो है वो शुरू हो जाती है। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि किसी मुतबादल जगह पर ओलंपिक्स का इनेकाद किया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें भी तो चल रही है ना कि शायद लंदन में ओलंपिक्स करवाई जाए। ये लंदन के जो मेयर हैं उनका भी एक इंटरव्यू आया था सादिक खान, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर हैं शॉन बेली, उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि ये मुकाबले जो हैं वो अपने टाइम पर होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो लंदन हाज़िर है, लंदन की खिदमात जो है वो हाज़िर है। जिसके बाद टोक्यो की जो गवर्नर थी उनको ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी, वो बहुत ज़्यादा खफा हुई, उन्होंने कहा कि ये दोनों हजरात जो हैं ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और जापान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और ओलंपिक्स जो है टोक्यो में ही होंगे। लेकिन उनके कहने का मकसद ये भी था कि इसलिए कि 2012 में लंदन में ओलंपिक्स हो चुके हैं तो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है लंदन के पास, और अगर लास्ट मिनट पे ज़रूरत पड़ती है तो लंदन रेडी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले वॉर्स की वजह से तो मनसूख हुए ओलंपिक्स, क्या किसी वबा या मर्ज की वजह से मुलतवी हुए हैं या मनसूख हुए हैं, पहले कभी ऐसा हुआ? 2016 में आपको याद होगा कि जीका वायरस जो था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और ये खदशात आपका सुनने में आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि ब्राज़ील में होने वाली रियो ओलंपिक्स जो है वो शायद मुलतवी हो जाए या शायद मनसूख हो जाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था कि वो मनसूख या मुलतवी हो। चलें देखते हैं क्या होता है। गजनफर हैदर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।